और जैसे ही कृष्ण आए तो राधा रानी क्या है, जैसे जैसे कृष्ण मनाते चरण पकड़ते वैसे वैसे धीरे धीरे राधा रानी ऊपर चढ़ती चली, ऊपर की ओर आती चली। राधे राधे दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आए हुए हैं श्री धाम बरसाने में, जहाँ पर हम आपको बहुत ही सुंदर मान मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बरसाने की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और हम इस बरसाने धाम की परिक्रमा कर रहे थे तो ये मंदिर आया है, तो हम आपको इस मान मंदिर के भी दर्शन करा दें। साथ में बता दें कि यहाँ पर एक लीला हुई है तभी इसका नाम मान मंदिर पड़ाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर राधा रानी मान करके बैठी थी और ठाकुर जी फिर मनाने के लिए आए थे। तो लीला क्या है वो हम ब्रजवासी या वहाँ के किसी भक्त के द्वारा ही जानेंगे। चलते हैं ऊपर और आपको श्री राधा रानी और युगल किशोर के आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे विग्रह है, श्री मान मंदिर के आपको दर्शन कराऊं जहाँ पर युगल किशोर बहुत ही दिव्य रूप में विराजमान है। तो चलते हैं ऊपर और मान मंदिर के दर्शन करेंगे और क्या इस लीला हुई है वो लीला के बारे में जानेंगे। दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दर्शन कराएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बंदर बहुत खतरनाक बताए जा रहे हैं, यहाँ के ऊपर से कवर किया हुआ है इसको ताकि मतलब किसी भक्त के को ये हानि ना पहुँचा पाए। और देखें हम यहाँ पे तो ये बंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। भैया आपका शुभ नाम? देव कृष्ण दास। मान मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए भैया, क्या लीला हुई है यहाँ पे? वैसे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। हाँ जी, मगर भगवान ने इस धरा धाम में 5000 साल पहले जन्म लिया था जी, जिनमें से उनकी एक लीला है मान लीला जी, जो उन्होंने यहाँ पे की है। जैसे ये मोर कुटी है जी। तो क्या है, भगवान एक बार एक लीला कर रहे थे, लीला में क्या हुआ भगवान को लेट हो गया जी, तो राधा रानी रूठ गई। मान, हाँ रूठ गई, रूठना मान करना ये है। तो क्या है, पहले राधा रानी, ये गैवर वन है, पूरा जो क्षेत्र है गैवर वन है, गैवर मतलब कि बहुत घना क्षेत्र, जो ये एक बहुत ही घना क्षेत्र है, इसमें से लीला करने में श्री कृष्ण को अच्छा रहता है जी। तो क्या है, राधा रानी नीचे थी और जैसे ही कृष्ण आए तो राधा रानी क्या है, जैसे जैसे कृष्ण मनाते चरण पकड़ते वैसे वैसे धीरे धीरे राधा रानी ऊपर चढ़ती चली, ऊपर की ओर आती चली, और चढ़ते 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 बिल्कुल ऊपर पहुंच गया जी। तो बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद भी राधा रानी मान नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने सखियों के, कृष्ण जाके सखियों के चरण पकड़ते हैं, हे ललिता हे विशाखा आप किसी तरीके से राधा रानी को मनाइए। तो यही कहते हैं, आवत जात हो हार परीर, यानी कि क्यों आवत जात हो हार परीर। तो ऐसे एक पद है जो गोपियाँ कहती हैं भगवान कृष्ण से। और इस तरीके से फिर ऊपर जाके एक शिला है, वहाँ पे राधा रानी रूठ जाती हैं और फिर राधा रानी सखियों की विनती करने पर मान जाती हैं। यही इस मान लीला है। वैसे ये मंदिर बहुत पुराना है जी, अभी इसका जीर्णोद्धार हो रहा है नए तरीके से। यहाँ के जो संत हैं रमेश बाबा, रमेश बाबा जी जो ही बहुत प्रसिद्ध है ब्रज में, बहुत सारी लीलाएं की हैं, जो पूरा गैवर्धन क्षेत्र है, पर्वत हैं, कुंड हैं, आदि आदि जो हैं सब उन्होंने रक्षा की है। यही मेरे इतना ही मैं जानता हूँ यहाँ के बारे में। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जैसे हमने भैया के माध्यम से जाना कि यहाँ पे किस प्रकार श्री राधा रानी मान करके बैठी थी और फिर ठाकुर जी के मनाने पर ललिता विशाखा सखियों के द्वारा वो फिर मतलब मान उनका भंग हुआ है श्री राधा रानी का। तो हमने जाना कि यहाँ पर आखिर क्यों इसका नाम मान मंदिर पड़ा है, भैया ने बहुत अच्छा बताया। तो भैया के लिए एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। ठीक है भैया, राधे राधे। दोस्तों हम आ चुके हैं अब ऊपर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यही श्री मान मंदिर रहेगा जहाँ पर श्री राधा रानी मान करके बैठी हैं। कहा जाता है कि ये ब्रह्मांचल पर्वत जो कि ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों हम जान लें इस बारे में कि आखिर राधा रानी को मान क्यों हुआ था। तो एक बार श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से पूछा, मेरा मुख कैसा दिखाई दे रहा है? तो श्याम सुंदर ने उनके मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से कर दी थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो चंद्रमा है उसमें दाग है, तो राधा रानी को ये अच्छा नहीं लगा और उनको मान हो गया था। दोस्तों आपका और हमारे ये परम सौभाग्य है कि हम संध्या आरती के समय यहाँ आए और आपको इस आरती की पूरे ही दर्शन हम करवाने वाले हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कपाट
जो गोसाई हैं वो खोलने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द यहाँ से ये पर्दे हटेंगे और आपको प्रिय प्रीतम के बड़े ही सुंदर दर्शन आपको होने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाल की जय, बोलती राधा रानी की जय, बोलती युगल सरकार की जय।
दोस्तों अभी हमने जाना भैया के माध्यम से कि ये मान मंदिर है, तो इस क्या लीला थी इसके पीछे, वो सभी उन्होंने पूरा डिटेल से हमें बताया। साथ में ही हमारे अहोभाग्य थे कि मतलब हम आरती के समय यहाँ पधारे थे और मतलब हमें आरती के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। तो हम पूर्णतः जान चुके हैं कि आखिर क्या यहाँ पे लीला हुई थी। श्री राधा रानी मान करके बैठी थी और श्री ठाकुर जी आकर उनका मान को भंग किया। तो ये बहुत ही मतलब सुंदर लीला है ब्रज की, और मतलब बहुत ही ऊंचाई पे ये पर्वत जो हैगा ब्रह्मांचल पर्वत हैगा, सबसे ऊंचा मतलब कह सकते हैं कि ऊपर में ये मान मंदिर बनाया गया हैगा जहाँ पर राधा रानी आके बैठी थी, यहाँ पे लीला हुई थी ये। दोस्तों बहुत ही सुंदर लीला हुई है ये, और इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं जाके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इस लीला को नहीं जानते हैं वो इस ब्लॉग के माध्यम से जान सकें। और अच्छी वीडियो लगी हो तो उसको लाइक करें और प्यारा सा कमेंट में जय श्री राधे लिखें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राधे।